बीएल संतोष जी को हमारे स्टेट में एसआईटी ने बुलाया था, फिर बीएल संतोष जी नहीं आए, हर एक कोर्ट पे गए, स्टे लेके आ गए। अभी अदानी जी का इतने मुद्दे आ रहे हैं, ऑपोजिशन लगातार मांग कर रही है, लेकिन ईडी कुछ नहीं करती है। 10 लाख करोड़ का बोलते हैं घोटाला हुआ है, लेकिन ईडी कुछ नहीं करती है। तो ये प्यार सिर्फ ऑपोजिशन पार्टी से ही क्यों है ईडी को, बस यही मेरा सवाल है। बट फिर भी बिकॉज दे हैव कॉल्ड, वी विल गो, वी आर अ रेस्पॉन्सिबल पोलिटिकल पार्टी, हम जाएंगे उनके सवालों का जवाब दे के आ जाएंगे। ठीक है मैम, अब ईडी ने इस पूरे मामले में जो कुछ जानकारियां दी हैं उससे रिलेटेड मैं सवाल आपसे पूछती हूँ। क्या आप अरुण पिल्लई को जानती हैं? क्या अरुण पिल्लई आपके बिहाफ पे काम कर रहे हैं? क्योंकि अरुण पिल्लई को जब ईडी ने अरेस्ट किया है, जिनके 32-32% के आसपास स्टेक्स है इंडो स्पिरिट्स में, उन्होंने कहा है कि मैं के कविता के बिहाफ पर काम करता हूं। दिल्ली के एक होटल में विजय नायर और के कविता के साथ मेरी मुलाकात हुई थी और वहीं पर 100 करोड़ रुपए जो हमने दिए थे उसके बदले हम पॉलिसी को लेकर पॉलिसी को कैसे ट्वीक करें इस पर चर्चा हो रही थी। इन दोनों पर आप क्या बताएंगे? देखिए मैम, कल तो मुझे लगता है ईडी आपसे बेहतर तो सवाल कर नहीं पाएगी, तो मैं आपको ही जवाब दे देती हूँ। ईडी का और भारतीय जनता पार्टी का और सीबीआई का एक आदत हो गया है कि वो पहले अपने आप एक कहानी शुरू कर लेते हैं, पहले अपने आप एक कहानी बुन लेते हैं, फिर बाद में उसके किरदार ढूंढने लगते हैं। तो इस कहानी में भी ऐसा ही कुछ है, उन्होंने पूरा एक कहानी बना लिया, फिर एक किरदार हो गया मनीष सिसोदिया, एक किरदार हो गई कविता, फिर एक किरदार हो गया बाकी के लोग, फलाने फलाने फलाने। तो इसमें पूरे में होता यह है मैडम, आपको मैं बताना चाहती हूँ, आज तक मैंने कभी भी या तो मनीष सिसोदिया जी से मिला है या तो उनसे बात किया है, तो अगर दूर दूर से भी मैं उनको जानती परखती तब नहीं हूँ, और मेरा नाम लगातार बुलवाया जाता है लोगों से, तो इसमें कुछ ना कुछ दाल में काला तो लग ही रहा है ना। तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये है, क्योंकि ये पूरा सब जुडिस मैटर है और एजेंसीज के बीच में भी है, तो मैं ज़्यादा डिटेल में बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मोटा मोटा आपको इतना बता देती हूँ, ये पूरे इश्यू से मेरा लेना देना कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन मेरे दोस्तों को इसमें बहुत परेशान किया गया है, बहुत लोगों को मारा पीटा गया है और बहुत जुल्म किया गया है, तो लोगों ने पता नहीं प्रेजर में आके किस किस को क्या क्या बोलना है, मुझे आई डोंट नो ऑल दैट, एंड मुझे ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कल उन्होंने बुलाया है तो आज मैं ऐसा कुछ बोल दूंगी फिर और एक केस डाल देंगे। उसे होना कुछ नहीं है, बीजेपी का साजिश ये है कि ऐसे मामलों में, ऐसे केसेस में ऑपोजिशन को उलझा दो, इनका ध्यान हटा दो, ताकि असली मुद्दे पे सवाल नहीं करेंगे। मेरा रिक्वेस्ट अंजना जी आपसे है कि आज जो मैंने मुद्दा उठाया वो महिला आरक्षण बिल के ऊपर है, तो महिला आरक्षण बिल के ऊपर मैं जब 10 तारीख को यहाँ अनशन पे बैठना चाहती हूँ तो 9 तारीख को मुझे ईडी बुलाती है।